हाँ तो चलो यार, सुबह हो चुकी और यार आज तो क्या ही नींद आया मेरे को। अरे यार सुबह सुबह सोने में मेरे को कितना मजा आता है। एहे, रहा नहीं जाता। लेकिन एक सेकंड यार, ये क्या पूरे 10 बज गए। अरे यार आज तो मेरे को अपने शोरूम पे जाना था। चलो यार जल्दी से शोरूम के लिए रेडी हो जाता हूँ। हाँ तो चलो यार, ये देखो तुम लोग मेरा बाथरूम। चलो यार मैं तुम्हें अपना बाथरूम अंदर से दिखा देता हूँ। हाँ तो चलो यार, पूरे 5 मिनट के अंदर मैं बिना नहाए बाथरूम से निकल के आ चुका हूँ। अरे यार क्या करूँ, पानी इतना ज्यादा ठंडा है, नहाने का मन ही नहीं करता। और यहाँ पे तुम लोग देखो यार, ये रहा मेरा 500 साल पुराना भूतिया घर। अरे यार मुझे नहीं रहना यहाँ पे यार, कितना पुराना घर है यार, वही पुराना घर, वही पुरानी गाड़ियाँ यार। मैं बोर हो चुका हूँ यहाँ पे रह रह के। मन तो करता है कि सात समुंदर पार कहीं पे चला जाऊं। अरे यार चलो जल्दी से नीचे चलता हूँ, नीचे चल के तुम्हें अपनी गाड़ियाँ दिखाता हूँ। हाँ तो चलो यार, मैं तुमको बताऊं तो यार मैं बहुत ही ज्यादा अमीर हूँ। और यहाँ पे तुम लोग देखो मेरे बाइक और मेरी गाड़ियाँ। और यहाँ पे तुम लोग देखो यार, मेरे पास पल्सर, KTM, ZX10R और मेरा फेवरेट हायाबूसा। बूसा भाई, क्या ना बूसा। और यार अभी तुम लोग बोलोगे कि यार तुम्हारे पास इतनी सारी गाड़ियां और बाइक कहाँ से आ गए, तो यार ये तो मुझे भी नहीं पता। अरे यार मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार, मैं तुमको बताऊं तो यार मैं बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन हूँ। बोले तो मेरे ही सिटी के अंदर इतने सारे शोरूम है कि मुझे खुद नहीं पता। तो चलो यार अपने हायाबूसा को लेके मैं जल्दी से अपने शोरूम पे चलता हूँ यार, आज तो मेरे को देर होगी। चलो यार जल्दी से अपने हायाबूसा को लेके निकलता हूँ। चलो भाई। बाकी यार तुम लोग क्या टुकड़ टुकड़ हंस रहे हो यार, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। नहीं। A few moments later. हाँ तो चलो यार, यहाँ पे अपने हायाबूसा को लेके मैं शोरूम पे आ चुका हूँ। चलो यार यहाँ पे अपने हायाबूसा को खड़ा कर देता हूँ। और यार ये क्या लगता है, वर्कर सारी गाड़ियाँ पहले से लगा चुका है। और यहाँ पे तुम लोग देखो यार, मेरे शोरूम पे कितनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ हैं। और यहाँ पे तुम लोग देखो यार, फॉर्चुनर, बुगाटी और यहाँ पे ये क्या लैम्बोर्गिनी बनियान। अरे अरे सर, आप आगे क्या? सर मैं आपका इंतजार कर रहा था, आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? और वैसे सर मैंने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि हमारे शोरूम पे गाड़ियाँ बहुत कम रह चुकी हैं, तो आपको गाड़ियों का ऑर्डर भी देना है। अरे क्या तुम्हें इतनी सारी गाड़ियाँ दिखाई नहीं देती हमारे शोरूम पे? अरे यार पहले से इतनी गाड़ियाँ तो और गाड़ियाँ मैं क्यों मंगाऊं? अरे अरे सर, लगता है आज आपका दिमाग सटक गया है सर, आप भूल गए क्या? ये तो अभी तक की हमारे शोरूम की सबसे कम गाड़ियाँ है। अच्छा अच्छा, चलो ये बताओ कि कितनी गाड़ियाँ ऑर्डर करूँ? अरे सर आप अभी के लिए 2-3 हज़ार गाड़ियाँ ऑर्डर कर दो। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। अच्छा तो बबलू तू शोरूम पे ही रहना, मैं अभी अपनी स्कॉर्पियो को लेके जा रहा हूँ घूमने के लिए। और अब मैं शाम को आऊंगा अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके। हाँ तो चलो यार, अभी मैं अपनी स्कॉर्पियो को लेके चलता हूँ अपने लिए एक अच्छा सा घर देखने। और यार मेरी कॉन्ट्रैक्टर से बात भी हो चुकी है और उसने मेरे को एयरपोर्ट के पास बुलाया है। तो चलो यार अपनी स्कॉर्पियो को लेके जल्दी से चलता हूँ वहाँ पे। चलो भाई रन। हाँ तो चलो यार, यहाँ पे अपनी स्कॉर्पियो को लेके मैं एयरपोर्ट के पास आ चुका हूँ। और यहाँ पे मुझे लग रहा है यही वो लोकेशन है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर ने मेरे को बुलाया है। तो चलो यार यहाँ पे अपनी स्कॉर्पियो को खड़ा कर देता हूँ। लेकिन यार यहाँ पे तो मेरे को कोई बंदा दिखाई नहीं दे रहा। चलो यार ये सुशील कन्या से पूछता हूँ कि ये घर किसका है। अरे अरे मैडम जी, क्या आपको वो सामने वाला घर दिखाई दे रहा है? अबे हाँ हाँ, मेरे को घर तो दिखाई दे रहा है, मैं अंधी थोड़ी हूँ तेरी तरह। और साले टकले, तेरी औकात कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुझे पता है मैं किसकी बेटी हूँ? रुक बेटा, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ, तुझे पुलिस आके बताती है। मैं पुलिस को अभी कॉल करती हूँ। अरे क्या तू पुलिस को कॉल करेगी? ये ले मुक्का खा मुझसे भी। अरे यार लगता है इसको कुछ ज्यादा ही लग गई। चलो यार यहाँ से भाग चलता हूँ यार, नहीं तो पुलिस को पता चल गया तो पुलिस मेरा टकला फोड़ देगी। हाँ तो चलो यार, ये देखो तुम लोग मेरा शानदार सा नया घर, कितना बड़ा घर है यार मेरा। तो यहाँ पे चलो यार मैं तुम्हें अपना नया घर अंदर से दिखाता हूँ। और यहाँ पे तुम लोग देखो यार, सोफा टेबल लग रखा है। और यहाँ पे तो हम लोग खाना खाएंगे, यम 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 यम। एहे, रहा नहीं जाता। और यहाँ पे तुम लोग देखो यार, ये रहा मेरा बेडरूम। लेकिन यार यहाँ पे तो दो जन सोते हैं और मेरी तो कोई है ही नहीं।
तो चलो यार मैं जल्दी से ऊपर चलता हूँ और तुम्हें अपना घर ऊपर से दिखाता हूँ। और यहाँ पे तुम लोग देखो यार मेरा नया जिम, यार कितना बड़ा जिम बना रखा है मैंने अपने पूरे घर के अंदर। और यहाँ पे यार ऊपर की साइड पे भी तुम लोग देखो यार मैंने कितनी बड़ी जिम बना रखी है। और यहाँ पे तो कितनी सारी मशीनें लग रखी हैं जिम के लिए। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो चलो यार अभी मैं थोड़ी देर रनिंग मशीन के ऊपर रनिंग कर लेता हूँ क्योंकि खा के मोटा हो चुका हूँ ना। Why are you running? तो यहाँ पे चलो यार मैंने जिम तो कर लिया है और बॉडी भी बना ली है, तो चलो यार मैं जल्दी से फिर नीचे चलता हूँ ना। तो यहाँ पे चलो यार तुम लोग देखो ये रहा मेरा बड़ा सा स्विमिंग पूल। चलो यार इसके अंदर मैं नहा लेता हूँ क्योंकि 2 साल से नहाए नहीं हूँ ना। और यार यहाँ पे बहुत समय के बाद ठंडे पानी से नहाने पर तो लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। हाँ तो चलो यार यहाँ पे मैं नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ, चलो यार फिर जल्दी से अंदर चलता हूँ। अरे यार क्या करूँ यार घर में पड़े पड़े बोर हो गया हूँ यार, कोई काम धंधे नहीं है यार, चलो टीवी लगा के देख लेता हूँ। टीवी लगाए हुए काफी समय हो गया मेरे को। अरे यार ये क्या दिखा रहे हैं टीवी के अंदर छपरी न्यूज वाले, चलो यार मैं भी देखता हूँ। छपरी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक की सबसे बड़ी न्यूज निकल के आ रही है कि हमारी सिटी में मंत्री जी की गोल्डन रोल्स रॉयस आ चुकी है और ये वाली गोल्डन गाड़ी पूरे 10 करोड़ की है। जी हाँ पूरे 10 करोड़ की ये वाली गोल्डन गाड़ी है, इसलिए एयरपोर्ट के ऊपर इसके लिए काफी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी लगा रखी है। और इतनी सारी टाइट सिक्योरिटी को देखते हुए कोई भी चोर इसको चोरी करने की हिम्मत नहीं करेगा। भाई 10 करोड़ की गोल्डन रोल्स रॉयस वो भी हमारी सिटी के अंदर, अरे यार ये गाड़ी कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है। अरे यार क्यों ना ये गाड़ी को मैं चुरा लूं यार, अगर ये गाड़ी को मैंने चुरा लिया तो मेरे को तो 10 करोड़ रुपया मिल जाएगा और फिर तो मैं करोड़पति हो जाऊंगा, पैसा ही पैसा होगा। तो यहाँ पे चलो यार मैंने अपना हुलिया बदल लिया और यहाँ पे मैं बन चुका हूँ टकलू गैंगस्टर। अरे यार तुम लोगों को क्या लगा यार कि ये सारी की सारी गाड़ियाँ मेरी हैं? अरे यार ये गाड़ियाँ तो मैंने कबाड़ से ली हैं, वो भी भीख मांग के। A few moments later. हाँ तो चलो यार यहाँ पे अपने हायाबुसा को लेके मैं एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ और यहाँ पे तुम लोग देखो यार कितनी सारी पुलिस की गाड़ियाँ आ रखी हैं यहाँ पे। अरे यार मंत्री जी की गाड़ी के लिए तो पुलिस वालों ने कितनी टाइट सिक्योरिटी लगा रखी है और यहाँ पे यार इतनी सिक्योरिटी के अंदर मैं गाड़ी को नहीं चुरा सकता। अरे यार चलो यहाँ से अपने बाइक को लेके थोड़ा दूर चलता हूँ यार, नहीं तो पुलिस वालों को पता चल जाएगा कि मैं टकलू चोर हूँ। अरे यार मुझे कैसे भी करके ये पुलिस वालों को चकमा देके एयरपोर्ट की पार्किंग के ऊपर जाना होगा क्योंकि वहाँ पे तो वो रोल्स रॉयस पड़ी है, तो मैं वहाँ से गाड़ी को चुरा के भाग जाऊंगा। अरे यार मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, लेकिन एक सेकंड यार आइडिया, क्यों ना मैं यही काम करूँ यार, चलो जल्दी से अपने बाइक को लेके यहाँ से चलता हूँ। चलो भाई। हाँ तो यार मैंने सोचा कि क्यों ना यार मैं अपने बाइक को मॉडिफाई करके ऐसा बाइक बना लूं कि पुलिस को बिल्कुल भी पता ना चले। तो चलो यार जल्दी से अपने बाइक को लेके गैराज पे चलता हूँ। हाँ तो चलो यार यहाँ पे अपने बाइक को लेके मैं गैराज पे आ चुका हूँ और यहाँ पे चलो यार अपने बाइक को मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ। और यहाँ पे यार मैंने जल्दी से अपने बाइक के ऊपर काम चालू कर दी और यहाँ पे यार थोड़ी देर के अंदर ये बाइक को मैं मॉडिफाई कर लूंगा। हाँ तो चलो यार यहाँ पे अपने बाइक को मैंने मॉडिफाई करके ये वाला फ्लाइंग जेट पैक बना ली और ये वाले फ्लाइंग जेट पैक को लेके मैं एयरपोर्ट के अंदर जा सकता हूँ। और यार तुम लोग देखो यार ये जेट पैक को फ्लाई करने में कितना मजा आ रहा है, चलो यार इसको लेके जल्दी से एयरपोर्ट के अंदर चलता हूँ। और यहाँ पे चलो यार मैं थोड़ी देर के अंदर अपने फ्लाइंग जेट पैक को लेके एयरपोर्ट के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे यार तुम लोग देखो पुलिस को बिल्कुल भी पता नहीं चला। और यहाँ पे ये रही मेरी रोल्स रॉयस, चलो यार जल्दी से पार्किंग के ऊपर चलता हूँ। हाँ तो चलो यार यहाँ पे फाइनली अपने फ्लाइंग जेट पैक को लेके मैं एयरपोर्ट की पार्किंग के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पे तुम लोग देखो यार ये रही 10 करोड़ की रोल्स रॉयस। अरे यार ये गाड़ी तो सच में कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है, अरे यार इसको बेच के तो मैं करोड़पति हो जाऊंगा। और यहाँ पे तो यार कोई पुलिस वाला भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे यार ये पुलिस वालों को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा यार, इनकी वजह से मेरे को अपने हायाबुसा को तोड़ना पड़ा, इनको तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पे यार अपनी रोल्स रॉयस को मैं निकाल लेता हूँ, चलो यार एक एक करके इन दोनों गाड़ियों के ऊपर स्टिकी बम लगा देता हूँ। हाँ तो चलो यार यहाँ पे मैंने एक एक करके इन दोनों गाड़ियों के ऊपर स्टिकी बम लगा दी है, चलो यार इन दोनों को अब ब्लास्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे चलो यार मैं अपनी रोल्स रॉयस को लेके जल्दी से यहाँ से भाग चलता हूँ यार, अगर पुलिस वालों को पता चल गया तो वो मेरे पिछवाड़े में गोली मारेंगे।
तो यहाँ पे चलो यार अपनी रोल्स रॉयस को भगाते हुए यहाँ पे मैंने एयरपोर्ट की पार्किंग से जंप कर दी और यहाँ पे तुम लोग देखो यार फाइनली एयरपोर्ट की पार्किंग से मैं बाहर आ चुका हूँ। और यार चलो जल्दी से ये गाड़ी को लेके यहाँ से भाग चलता हूँ यार, अगर पुलिस वालों ने मेरे को पकड़ लिया तो यार वो मेरे को नहीं छोड़ेंगे। हाँ तो चलो यार मैं तो चलता हूँ अपनी रोल्स रॉयस को लेकर अपने घर पे, बाकी तुम लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते करते जाना। हाँ मेरे भाई मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना क्या तुम्हें इसका पार्ट 2 भी चाहिए। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना।